सोलन धर्मपुर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 2,28,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उद्घाटन समारोह पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 108 आपातकाल सेवा में पहले की तरह 70 किलोमीटर सीमा नहीं रखी जाएगी। कौल सिंह ने कहा कि हिमाचल में कई प्राथमिक केंद्र कर्मचारियों के अभाव में बंद पड़े हैं, लेकिन बंद पड़े प्राथमिक केंद्रों में जल्द ही कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाएगा और हिमाचल में सभी प्राथमिक केंद्रों को दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जल्द ही एकल सिगरेट बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। अब हमने 32,108 गाड़ियां जो है दूर के डिस्टेंस के लिए भी क्रिटिकल केयर मरीजों को ले जाने के लिए कर दी है। चाहे काजा का पेशेंट हो, उसने पीजीआई जाना है तो वो 8 गाड़ी पीजीआई लेकर के जाएगी। अब हमने फैसला किया है कोई भी स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी यूनिट है कोई खाली ना रहे। जैसे ही हमारी सरकार बनी उसी वक्त ट्रॉमा सेंटर धर्मपुर के खोलने का हमने केंद्र सरकार को भेजा है और हम कोशिश करेंगे कि जो सिंगल सिगरेट बेचने का है उसको कंप्लीट हिमाचल प्रदेश से बैन करेंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है सिगरेट से एडिक्ट ना बने। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान यह भी ऐलान किया कि 108 आपातकालीन सेवा में 70 किलोमीटर की सीमा भी नहीं रखी जाएगी। यदि किसी रोगी व्यक्ति को अन्य अस्पताल में ले जाना पड़े तो उसके लिए 32 एम्बुलेंसेस शुरू की गई हैं। के चैनल के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।